Hi, welcome to my channel. इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1. Add the following algebraic expressions. तो हमें इन algebraic expressions को ऐड करना है, ठीक है. यहाँ पर ऐड करते समय बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि सबके वेरिएबल्स सेम हैं कि नहीं. यदि सबके वेरिएबल्स सेम होंगे तो उनको बोलते हैं लाइक टर्म्स, और लाइक टर्म्स को ही हम ऐड करते हैं, ठीक है. और ऐड करते समय हम केवल कॉन्स्टेंट्स को ही सॉल्व करते हैं, जो वेरिएबल्स का पार्ट होता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं. जैसे कि हमें आप सॉल्व करके बता रहे हैं, आपको देखिए ध्यान से, इन सबको हम ऐड करेंगे तो डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर. तो हमने यहाँ पर ऐड करके लिख लिया है. अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी में देखिए, सभी टर्म्स में ए स्क्वायर बी जो है सिमिलर है, सेम है, एग्जैक्टली सेम है. सो हम ए स्क्वायर बी को कॉमन ले लेंगे और जो कोफिशियंट हो गए केवल उनको हम छोड़ देंगे. तो ए स्क्वायर बी को हम बाहर निकालेंगे तो केवल बचेगा यहाँ पर 3. यहाँ देखिए प्लस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 4 आपका बच जाएगा जब हम कॉमन ले लेंगे ए स्क्वायर बी तो, और प्लस 9, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी. अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं 3 माइनस 4 प्लस 9 कितना आएगा. देखिए 3 माइनस 4 करेंगे माइनस 1 आएगा, माइनस 1 प्लस 9 करेंगे 8 आएगा, मीन्स इज इक्वल टू 8. और ए स्क्वायर बी हम यहाँ पर एज इट इज रख देंगे तो हमारा आ गया सोल्यूशन 8 ए स्क्वायर बी. 2 बाई 3 ए, 3 बाई 5 ए, माइनस 6 बाई 5 ए. तो इसमें जो वेरिएबल है वो ए है, तीनों में सेम है, देयरफॉर ऑल दीज टर्म्स आर लाइक टर्म्स, सो हम ऐड कर सकते हैं इसको. ओके, तो हमने ऐसा लिख लिया है. अब यहाँ से ए को हम कॉमन कर लेंगे और जो कॉन्स्टेंट्स होंगे केवल उनको ही सॉल्व करेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बाई 3 प्लस 3 बाई 5, और यहाँ हमने प्लस माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस हो गया 6 बाई 5, और ए को हमने कॉमन ले लिया क्योंकि ये वेरिएबल है. तो अब इनको सॉल्व करेंगे केवल, तो इसके लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम. तो 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 जा 5 2 जा 10. तो हमने सॉल्व कर लिया, मिल गया हमें 10 प्लस 9 माइनस 18. अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे. देखिए 10 प्लस 9 करेंगे आपका आएगा 19, 19 में से यदि हम 18 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, 1 अपन 15, मीन्स ए अपन 15 हम कर सकते हैं, या फिर 1 अपन 15 ए भी करेक्ट है हमारा. तो दिस इज योर आंसर. इन सबको पहले प्लस करके हम लिख लेंगे. तो आप देख सकते हैं कि आप हमने प्लस करके लिख लिया है सबको. अब यहाँ पर आपको देखना है कि सेम वेरिएबल वाले कौन कौन से टर्म्स हैं, उनको एक साथ लिखना है. तो देखिए एक्स वाई स्क्वायर आपका ये टर्म, एक्स वाई स्क्वायर आपका ये है, यहाँ पर है एक्स वाई स्क्वायर, ये इन तीनों को एक साथ लिखेंगे. और जो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स स्क्वायर वाई, इनको हम एक साथ करेंगे. ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने लिख लिया है 4x स्क्वायर वाई दिस टर्म, उसके बाद मैंने इसको लिखा माइनस 6x स्क्वायर, माइनस 6x वाई स्क्वायर, अगेन 5x वाई स्क्वायर, माइनस ये 7x स्क्वायर वाई, फिर ये 12x स्क्वायर वाई, प्लस फिर यहाँ देखिए प्लस में माइनस में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर तो माइनस हो जाएगा, सो माइनस 3x स्क्वायर वाई. अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, लेकिन कॉन्स्टेंट्स को हम सॉल्व करेंगे केवल, और जो वेरिएबल्स हमको कॉमन ले लेंगे. सो हम एक बार और इसको लिख लेते हैं. यहाँ पर तो हमने एक्स वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया केवल सिंपल तरीके से, मतलब यहाँ पे माइनस नहीं था इसलिए हमने यहाँ पर कॉमन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मीन्स 4 माइनस 6 प्लस 5 बच जाएगा यहाँ पर, और एक्स वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. लेकिन यहाँ पर इन तीनों में कॉमन लेने के लिए थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर एक ट्रिक है, माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा हमें. तो माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा प्लस में 7 बचेगा. हम एक्स स्क्वायर वाई को कॉमन लेंगे लेकिन बाहर रखेंगे, इसके इसके राइट साइड में रखेंगे ब्रैकेट के, ठीक है. तो माइनस 7 बचा आपका, प्लस नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि माइनस हम कॉमन ले रहे हैं. जब माइनस कॉमन ले रहे हैं तो सब जितने भी यहाँ पर साइंस होते हैं सबको चेंज कर देते हैं क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है ना उससे. यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा ये, और उसके पास ये प्लस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा और ये 3 बचेगा. उसके बाद हम एक्स स्क्वायर वाई को हम आगे यहाँ पर रख लेंगे. तो हमने इतना कर लिया. अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. देखिए 4 माइनस 6 कितना हो जाएगा, माइनस 2, माइनस 2 एंड 5 3 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर माइनस, और यहाँ सॉल्व करते हैं तो 7 माइनस 12 इज माइनस 5, माइनस 5 प्लस 3 इज माइनस 2, सो माइनस 2x स्क्वायर वाई, ये आपका आ गया वैल्यू. अब यहाँ देखिए माइनस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. डेफिनेटली आपका आंसर जो है, आंसर जो है आपका आ जाएगा 3x वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई, सो दिस इज योर आंसर. ओके, आपका है नेक्स्ट फोर्थ पार्ट. तो इन सबको हम एक बार प्लस करके लिख लेते हैं. तो हमने यहाँ पर प्लस करके सारे टर्म्स को लिख लिया है. अब यहाँ पर हमें देखना है कि कौन कौन से टर्म्स सेम है, मतलब कि लाइक टर्म्स कौन है. तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे,
आप देख सकते हैं यहाँ पर a है आपका, यहाँ a है और ये आपका a है, तो a वाले टर्म्स एक साथ और b वाले टर्म्स एक साथ, आपका b यहाँ से है, यहाँ पर है, यहाँ है और ये है, और c वाला तो पता ही है जो छूटा हुआ है, तो हम इसको एक साथ करके लिख लेते हैं। अब यहाँ सभी में से हम वेरिएबल्स को कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पर 3/2 + 2/3 + 5/3 a, सिमिलरली हम सब में कॉमन कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर कॉमन करते समय देखिए हमें माइनस माइनस भी कॉमन करना पड़ेगा, तो माइनस यदि हम कॉमन करते हैं तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो हमने सबको कॉमन कर लिया है, देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं कि आप कॉमन लें वेरिएबल को, लेकिन आप बिना कॉमन लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा और आप सॉल्व करके डायरेक्टली ए के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा एलोबरेट करके लिख रहा हूँ, दैट्स वाई आई एम राइटिंग इट। तो चलिए यहाँ पर अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम होगा 2, 3। ओके, तो हमने सबका एलसीएम ले लिया है, यहाँ पर 4 होगा एलसीएम, यहाँ पर 20 होगा, और सिमिलरली हमने सॉल्व कर दिया यहाँ पर, तो इतना मिल गया है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फाइनल आंसर ला लेते हैं। देखिए 9 + 4 + 10 ये आपका हो जाएगा 13, और 23 upon 6a माइनस, यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 5 + 14 - 10, तो 14 - 10 करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 + 5 9 मीन्स प्लस में आएगा तो 9/4 ही हो जाएगा बस, इंटू बी प्लस, यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए 70 आपका है ये, आपका यहाँ पर आ जाएगा 53 upon 53 c upon 20। सो ये आपका फाइनल आंसर है, 23 upon 6a - 9/4b + 53 c upon 20। सबको एक बार प्लस करके लिख लेंगे, यहाँ हमने प्लस करके लिख लिया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस से पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे ओपन कर लेंगे, प्लस माइनस करने पर यहाँ मिलेगा आपको -11/2i, फिर प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर यहाँ पर, तो ये माइनस ही मिलेगा, -12/5y, माइनस ये प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस ही मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करने पर, और ये आपको मिल जाएगा 13/7xy। अब यहाँ पर सेम वेरिएबल्स मतलब लाइक टर्म्स जितने भी होंगे उन सबको एक साथ करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पर अलग अलग वेरिएबल्स को जो लाइक टर्म्स उनको एक साथ कर लिया है, अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कॉमन लेना एक्स वाई यहाँ पर कॉमन और यहाँ पर वाई कॉमन, हम कॉमन नहीं लेंगे यहाँ पर, डायरेक्टली हम यहाँ पर केवल जो कांस्टेंट होते हैं उनके एलसीएम ले लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 14, अब 2 से डिवाइड करेंगे 14 में तो मिलेगा 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 77xy, ऐसे लिख लीजिए, फिर माइनस 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14, 2 × 13 = 26xy, इतना आपका आ जाएगा प्लस। नाउ यहाँ पर माइनस कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, तो 77 में से 26 माइनस करेंगे 51/14xy प्लस 24 में से माइनस करेंगे तो -55, तो नेगेटिव में आएगा, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे माइनस में 131y/10 प्लस 65x - 84x, यहाँ पर निगेटिव में आएगा तो ये आपका आ जाएगा -19x/35। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 51/14, सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज 35। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं और इसलिए मैंने उसको छोड़ दे रहा हूँ मैं, ताकि आप खुद सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।